हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5 में हिंदी में, उसमें अभ्यास। उसमें पहले दो प्रश्न हमने आगे के पार्ट में देख लिए थे, अब तीसरा क्वेश्चन। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? कविता में प्रकृति के पेड़, मछली, पृथ्वी, धुआ, दूध, पानी, सूरज, लता, फूल, भवरा, तरु और हवा, इन तत्वों की बात की गई है। दूसरा, आपने देखे हुए प्रकृति के अन्य तत्व के नाम लिखिए। जो आपने देखे उसके अन्य प्रकृति के तत्व, तो उसमें आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर, नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु, पक्षी और पर्वत। तो ये है अन्य तत्वों के नाम। अब आगे प्रश्न 4, किससे क्या सीखे? तो ये शब्द दिए, उससे हम क्या सीखते हैं वो इधर लिखना है। तो पहला, दीपक से। तो दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? तो दीपक से हमें अंधेरा दूर करना, ऐसी सीख मिलती है। दूसरा, भंवरों से हमेशा गाते रहना। तीसरा, फूलों से हमेशा हंसते रहना। चौथा, हवा से कोमल भाव बहाना। ये सब कविता के शब्द है, उसमें से ये क्या भाव निकलते वो हमको दिखाया है। दूध और पानी से मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सबको गले लगाना। धुएं से ऊंचे चढ़ना। मछली से स्वदेश के लिए मरना। जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना। पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना। और लास्ट, पतझड़ के पेड़ों से हमें दुख में धीरज धरना चाहिए, ऐसी सीख मिलती है। तो ये सब अपने अपने तत्वों की सीख है। अब आगे निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर बार देकर पढ़िए। ये वाक्य दिए है तो अलग अलग शब्द को हमें बार दे के पढ़ना है। देखो, ये उदाहरण दिया है, मैंने कल आपको यह किताब दी थी, यानी कि मैंने दी थी, दूसरे ने नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, कल, परसों नहीं दी थी, ऐसा। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, आपको, दूसरे को दी नहीं थी, ऐसे। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, यह, यानी कि किताब दी थी, यह, दूसरी किताब नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। किताब यानी कि किताब दी थी, दूसरे कोई चीज दी नहीं थी, ऐसे। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। दी थी का मतलब है आपको दी थी, दूसरे को दी नहीं थी, ऐसे।
मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो जैसे हमने आगे का जो सेंटेंस देखा, इस तरह इसको भी हमें बांट के पढ़ना है। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे यानी कि मेरा जन्मदिन। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। जन्मदिन जो खास दिन है वैसा इसमें जन्मदिन दिखाए। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, किसी और ने नहीं ऐसा। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे यानी कि मुझे खुद को उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। क्या दिया? उपहार। अब आगे, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान जो किसान है उसने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। रस्सी से, किसी और से नहीं, रस्सी से, जंजीर से नहीं, रस्सी से बांधा। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। कसकर यानी कि जो खुले नहीं ऐसा कसकर बांधा। आगे, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। बगीचे में यानी कि बगीचे में, किसी और जगह नहीं। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। तितलियां जो तितली आती है ना, वो मंडराने लगी। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। मंडराने यानी कि घूमने लगी ऐसे। लास्ट, मैं कल रामपुर गया था, परसों नहीं। मैं कल रामपुर, जो गांव का नाम है वो रामपुर गया था ऐसा। तो बच्चों, इसमें जो हर एक शब्द होती है उस पर हम बार रखते हैं तो उसका मतलब हमको पता चल जाता है।